औरत ये सब सहती रहेगी, दबती रहेगी, सिमटी रहेगी, परिस्थितियों का अनुकूल बनाती रहेगी। किसी को तो आवाज उठानी होगी ना, है ना भैया? मेरा समय तो चला गया है। मैं तो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन किसी को तो आवाज उठानी होगी ना। अगर आवाज ना बने तो तलवार तो उठानी होगी ना। क्रांति का ऐलान करना होगा, बिगुल बजाना होगा। मैंना भाई, आप ना हमेशा हमेशा मुझे गलत समझती आई हो, लेकिन मैं अपने तुम्हारे बाड़े में आने वाली बदू के स्वतंत्रता को लेकर चिंतित हूं। मैं स्थितियां बदलेगी नहीं, इन्हें बदलना होगा। किसी को तो औरत के ऊपर होने वाले मानसिक शोषण को रोकना होगा। किसी को तो विरोध की ज्वाला फूंकनी होगी ना, किसी को तो आवाज उठाना ही होगा ना। तो फिर सहो, जैसे हमने सहा है आप भी सहो, आने वाली पीढ़ी भी सहेगी जैसे हम सह रहे। काल जी क्या केसर बेटा, केसर। अरे राजघराना है, राजघराने में कोई भी सजावट है ना, जैसे दिखती है वैसे होती नहीं, अंदर ही अंदर सब बिखराव होता है। केसर, यहाँ पर हमारे तुम्हारे जैसे लोगों की बातें होती है, लेकिन हमारे तुम्हारे जैसे लोगों से बातें नहीं होती। यहाँ पर हमें इज्जत तब तक नहीं मिलती जब तक उस इज्जत के लिए हम खुद ना लड़े, और तुम तो लड़ी ही नहीं, प्यार कर बैठी, और वो भी राजकुमार जी से। अरे नहीं नहीं नहीं, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर वो भी तुमने तो राजकुमार जी से प्यार किया, उसमें कौन सी बुरी बात होगी। लेकिन केसर, ये डगर, ये रास्ता तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है, और कोई तरीका भी नहीं है ना। हाँ, अगर तुम्हें राजकुमार को पाना है तो किसी भी हालत में उसे छीनना होगा। अरे इतिहास गवाह है, आज तक राजघराने के लोगों ने कभी भी कोई गरीब असहाय लड़की को आज तक राजगद्दी पर नहीं बिठाया, बल्कि उसे बंदी बनाया, गुमनामी के हवाले कर दिया, चाहे या फिर सलीम की अनारकली हो या बाजीराव की मस्तानी। हाँ, हमें उस लड़की से मिलना है। क्षमा कीजिए, हम आपको केशव से मिलने नहीं दे सकते, आदेश नहीं है। अगर ऐसा किया तो आदेश का उल्लंघन होगा। हाँ तो करो आदेश का उल्लंघन, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। हमें उस लड़की से अभी बात करनी है, इसी वक्त बात करनी है, तो हटो यहाँ से। खाना खा लेना। हमने कहा हटो यहाँ से। जिस दिन गांव में हमला हुआ था, उस दिन दरअसल हुआ क्या था?
मैं जानना चाहती हूँ कि वो लोग कौन थे। जितना जल्दी हो सके पता लगाइए और ध्यान रखिए, जो भी इंसान शक के दायरे में आए उसके बारे में तुकोजी भाऊजी को सूचित कीजिए। किसी को भी इस दुष्कर्म के लिए माफी नहीं मिलेगी, समझे आप सब? इतनी बात तो तय है कि किसी ने तो योजनाबद्ध साजिश रची है मेरे खिलाफ, और इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे एक बार तो केसर और मालेराव से इस बारे में बात करनी होगी। अहिल्या, अहिल्या जल्दी चलो, वो केसर। क्या हुआ केसर को? जल्दी चलो। देखा केसर, इसीलिए हम कहते हैं कि लड़ना बहुत जरूरी है। लड़ने से जीतने की संभावना बढ़ जाती है, और देखा ना तुमने, आखिर में हम जीत ही गए। हम दोनों को एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। हमें नहीं पता है राजकुमार जी, क्या सही है क्या गलत नहीं पता, पर इतना जरूर पता है अगर अपनों से लड़ने लगे तो महाभारत होनी निश्चित है। होने दो महाभारत, राजकुमार जी कि प्रेम न जाने कितनों के हृदय तोड़ रहा है, आपका तो घर भी तोड़ रहा है। वाह, मैना ने हमला करने के साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी दिया था क्या? देखो केसर, जब कोई जीतता है तो कोई हारता भी है, और जीतने वालों के हृदय धड़कते हैं, जैसे अभी दो हृदय धड़क रहे हैं। हम दोनों का हृदय मर्यादा वाले राव, मर्यादा हर रिश्ते के लिए जरूरी है। मालेराव, केसर यहां रह जरूर रही है, लेकिन तुम दोनों को मर्यादा का पालन करना ही होगा। ये मत भूलो, ना तो तुम दोनों विवाहित हो और ना इस संबंध को मान्यता मिली है, और मान्यता मिलने से समाज में भागीदारी बनी रहती है, ये बात तुम दोनों को समझनी ही होगी। समझे तुम दोनों? हाँ मालेराव, आपकी आई साहेब बिल्कुल सही कह रही हैं। मर्यादा का उपहास मत कीजिए। मर्यादा? मर्यादा का उपहास तो पहले उठ चुका है आजी साहेब। एक निहत्थी स्त्री पर जानलेवा हमला करवाने वाली महान स्त्री अगर मर्यादा की बात करेगी तो हंसी तो आएगी ना। आई साहब, आप इतनी महान क्यों बन रही हैं? ये तो हम जानते हैं, लेकिन आपके महान बनने से आप पर लगे कलंक धुलने नहीं वाले।
अजी सर, आपके आश्वासन पे हमें विश्वास है, तो इसे टूटने मत देना। क्षमा कर दीजिए ऐसा, हमारा आप पर आरोप लगाने का कोई इरादा नहीं था। हम जानते हैं कि राजकुमार जी गलत फहमी का शिकार हुए, हमें उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने हमें हमारी बात पूरी करने का मौका ही नहीं दिया। हमें क्षमा कर दीजिए ऐसा, हमें क्षमा कर दीजिए। उठो उठो, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करना ही पड़ेगा ताकि मेरे बेटे के मन में मेरे लिए कोई गलतफहमी ना रहे। उसे ये पता चले कि मैं प्रेम की दुश्मन नहीं हूं, मैं बस ये नहीं चाहती कि गलत निर्णय की वजह से प्रेम जैसी पवित्र भावना लांछन का शिकार हो जाए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.